मुख्य अतिथि राजमणि पटेल जी, सांसद राज्यसभा, विशिष्ट अतिथि मधुकर द्विवेदी जी, वरिष्ठ पत्रकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, रमा शंकर सिंह जी पूर्व प्रत्याशी विधानसभा त्योथर, श्री राम स्वरूप सिंह पूर्व शिक्षक अध्यक्षता, डॉक्टर टीपी सिंह जी ने किया कार्यक्रम का संचालन। श्री अनिल सिंह किसान नेता ने किया कार्यक्रम में मुख्य रूप से प्रोफेसर आर एस सिंह, एस के सिंह, बी एल सिंह, पूर्व प्राचार्य गिरीश कुमार, प्राचार्य जे बी सिंह, एडवोकेट सी पी सिंह, एडवोकेट पुष्पराज सिंह प्रधान, गुलाब सिंह प्रधान, अभिषेक सिंह, सतेंद्र सिंह, हजारों की संख्या में लोग उपस्थित होकर लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती को मनाया और उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। घंटा हो गया है ये कार्यक्रम चलते हुए। सरदार पटेल जी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अगर हम लोग, आप सब, हम सब 5 दिन भी बोलें तो कम हो जाएगा, कम पड़ेगा वो 5 दिन का समय। उनका इतना विराट व्यक्तित्व था, विराट और विशाल व्यक्तित्व था कि अनेक पुस्तकें लिखी गई हैं हिंदी में, उन पर हिंदी में पुस्तकें लिखी गई हैं, अंग्रेजी में पुस्तकें लिखी गई हैं, गुजराती में पुस्तकें लिखी गई हैं। आज आप गुजरात जाइए, किसी भी बुक स्टॉल में जाइए, अनेक पुस्तकें सरदार पटेल के बारे में आपको मिल जाएंगी। गूगल में आप सर्च कीजिए, बहुत सारा लिटरेचर उनके बारे में आपको मिल जाएगा। मैं साधुवाद देता हूँ सरदार पटेल जी के, जो चेतना मंच है मैं ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, जन चेतना मंच, गांधी जी का ये शहादत का दिवस भी है। कहते हैं कि करती है फरियाद धरती कई हजारों साल, तब होता है जाकर पैदा एक सरदार पटेल, एक सरदार पटेल। ऐसे सरदार पटेल के चरणों में नमः। और आज इस धरती में जन्मे, इस धरती में पले और इस धरती के लोगों का प्यार पाए और इस धरती के लोगों के लिए संघर्ष करने वाले स्वर्गीय राम लक्ष्मण सिंह जी के संघर्ष को मैं सलाम करता हूँ। आज उनके बारिश के रूप में वल्लभ भाई पटेल के जयंती में आप क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम ये संदेश देना चाहते हैं कि आज वर्तमान चुनौतियों में सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचारों की आवश्यकता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल के विचार और कांग्रेस पार्टी का जो विचार था वही विचार वास्तव में असली भारत है, असली भारत का विचार है। और उस विचारधारा के आधार पर ही ये देश आज़ाद हुआ, उसी विचारधारा के कारण देश के गरीब से गरीब को हक और अधिकार मिला, उसी विचारधारा के कारण गरीब से गरीब के स्वाभिमान और सम्मान सुरक्षित रहा, उसी विचारधारा के कारण एक हमें संविधान और व्यवस्था मिली, जो संविधान सबको समानता समता का संदेश देता है और एक व्यवस्था देता है जिस व्यवस्था पर चल करके गरीब को भी आगे बढ़ने का अवसर मिलता है। रखिए देश के हर शहर, हर गांव, हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट। और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।